नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार भी लेकर आते हैं, इसके लिए आप बस हमारी यूट्यूब चैनल JOBPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सड़कों पर उतरने वाले शिक्षकों की संख्या हुई 40,000 पार। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सभी नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। इसके बाद अब और शिक्षकों के सड़कों पर उतरने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो अब कुल मिलाकर 40,000 और शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों के ऐसे सड़कों पर उतरने का सबसे ज्यादा असर मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के परीक्षा पत्र के मूल्यांकन पर देखने को मिल सकता है। बिहार का बजट हुआ पेश। बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री ने जब अपने बजट सत्र की शुरुआत की तो उन्होंने एक शेर की कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत की थी। वहीं उन्होंने बजट की शुरुआत में कहा है कि यह बजट पिछले साल की तुलना में 11,000 करोड़ ज्यादा है। जमुई के 65 साल के इस व्यक्ति ने लगाए 5,000 से अधिक पेड़। पर्यावरण पर आज के समय में गहनता से सोचने विचारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर चुकी है। इसी क्रम में जमुई के धर्मपुर गांव के सुनील कुमार सिन्हा ने अकेले अपने दम पर अपने अब तक के जीवन में कुल मिलाकर 5,000 पेड़ लगाए हैं। बिहार बजट में किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश की सुशील कुमार मोदी ने। बीते मंगलवार को बिहार का बजट पेश कर दिया गया। वहीं पेश किए गए बजट में सरकार ने किसानों को खुश करने की पुरजोर कोशिश की है, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने 13वें बजट में 62 लाख किसानों को राहत देने और साथ ही साथ सरकारी मदद मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, पेश किए गए बजट के दौरान सुशील मोदी ने बिहार के विकास दर की भी खूब तारीफ की है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अनुराग आनंद एक भारतीय लेखक है जो स्वयं सहायता, सामान्य कथा और ऐतिहासिक कथा शैलियों में कई सर्वश्रेष्ठ उपाधियों का वर्णन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अनुराग एक फार्मास्यूटिकल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे उद्योग के अनुभव के साथ एक कॉरपोरेट पेशेवर भी हैं। अनुराग ने अपने लेखन करियर की शुरुआत साल 2004 से की थी, जब उन्होंने अपनी एक किताब पिलर्स ऑफ सक्सेस लिखी थी। इतना ही नहीं, अनुराग ने साल 2018 में बागा नाम का एक गाना भी लिखा था। फ्लाइट में बिहारी पैसेंजर की संख्या बढ़ी। बिहार के सभी लोगों को फ्लाइट्स में उड़ान भरना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और यही कारण है कि पिछले एक साल में फ्लाइट से उड़ान भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। खबरों की माने तो बिहार में ट्रेनों की लंबी लंबी वेटिंग लाइनों का विमान को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 2014-15 से 2018-19 के बीच उड़ान भरने वालों की संख्या में 36.6% वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि एक साल में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजरों की संख्या 9.5 लाख तक बढ़ गई है। बिहार विधानमंडल के दूसरे दिन सदन में देखने को मिली गर्माहट। सत्र का दूसरा दिन विपक्षी दलों के बीच में गर्माहट से शुरू हुआ, जिसके तहत राजनेता और जदयू नेता एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। वहीं दोबारा शुरू हुए सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा, जहां उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ देखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर उपस्थित नहीं है, अगर उपस्थित होते तो आंख बंद करके बैठकर नहीं देखते। मोतिहारी के साथ साथ कई जिलों में बारिश के साथ हुई बर्फबारी। बिहार में मौसम के अचानक से बदले मिजाज ने ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ा दिया है और न सिर्फ ठंड बल्कि अब तो बिहार के कई जिलों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में कुछ जिलों में बीते मंगलवार को बारिश तो हुई, कई जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ठंड के असर में एक बार फिर से इजाफा हो गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश के आज भी होने की संभावनाएं हैं। NTPC बढ़ा सकता है बिजली मालिकों की मुश्किलें। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। मार्च महीने के पहले सप्ताह से बिजली की समस्या में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में बिजली की समस्या से आम नागरिक वैसे ही जूझ रहे हैं। अब NTPC ने भी बिजली कंपनियों को अपना अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके तहत NTPC ने यह साफ कह दिया है कि अगर अब बिहार की बिजली कंपनियों ने 600 करोड़ रुपए की कर्ज की राशि जमा नहीं करवाई तो 10 मार्च से दक्षिण बिहार की बिजली पर NTPC पूर्ण विराम लगा देगी। बिहार में नहीं लागू होगा NRC, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में जारी NRC के विरोध को देखते हुए बिहार की जनता के लिए अहम कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने विपक्षी दलों के मुंह बंद करते हुए बजट सत्र के दौरान बिहार में NRC लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बिहार में NRC लागू करने का कोई मतलब नहीं है। गया के विष्णुपद मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इंदौर के शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1787 में फाल्गु नदी के तट पर कराया था। इस मंदिर में एक महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस मंदिर में भगवान विष्णु का पद चिन्ह का निशान सतह पर है। बौद्ध भी इस मंदिर को शुभ मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उपयुक्त पद चिन्ह भगवान बुद्ध का है। इस वजह से ये मंदिर दोनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है।
सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे चिराग, नियोजित शिक्षकों की मदद मुहैया करवाने के बाद अब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान दरोगा बहाली अभ्यर्थियों का मसीहा बनने की राह पर है, जिसके तहत चिराग पासवान ने हाल ही में दरोगा बहाली अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, बीते दिन सभी दरोगा अभ्यर्थी अपनी गुहार लेकर लोजपा प्रमुख से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिराग से मिलकर साक्ष्य के साथ अपनी बातें बताई हैं। 2010 के फॉर्मेट पर ही एनपीआर लागू करने का हुआ ऐलान। एनपीआर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में एनपीआर साल 2010 के फॉर्मेट के तहत ही लागू किया जाएगा। वहीं उपमुख्यमंत्री के इस बयान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में कुछ ऐसा ही बयान दिया था। इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आम नागरिकों से आग्रह करते हुए यह भी साफ किया है कि जनता किसी के भी बहकावे में न आए। सुपर 30 संस्थान में अब पढ़ाएंगे जापान के युवा। आनंद कुमार के दृढ़ संकल्प ने सुपर 30 संस्थान को न सिर्फ बिहार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अलग पहचान दिलवाई है, और यही कारण भी है कि अब दुनिया के कोने कोने से लोग आकर इस संस्थान से जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं, जिसके तहत आनंद कुमार ने जापान के 3 युवाओं को मिलाकर संस्थान के साथ जोड़ने की इच्छा जताई है। जिसके बाद आनंद कुमार ने यह कहा है कि टोक्यो विश्वविद्यालय से आ रहे ऐसे छात्रों से ही मुझे इस संस्थान के लिए काम करने की ताकत मिलती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना हुई जारी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीते मंगलवार को अहम सूचना जारी की गई है, जिसके तहत बिहार में खाली होने वाली 5 सीटों पर चुनाव करवाने का आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार 5 सीटों पर चुनाव अगले महीने की 26 तारीख को करवाए जाएंगे। आपको बता दें, अप्रैल महीने में राज्यसभा सांसदों के रिटायरमेंट के बाद संसद के उच्च सदन में 55 सीटें खाली हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में एनपीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र भेजने का किया दावा। बिहार में बजट पेशी के दौरान बिहार सरकार ने एनपीआर को लेकर कई सारी बातें सामने रखी है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ किया है कि एनपीआर साल 2010 के फॉर्मेट पर ही लागू होगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल को भी पत्र भेजे जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सरकार ने विपक्षी दलों और आम नागरिकों को भी यह आश्वस्त किया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जारी विरोध का भी वर्णन केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर कसा तंज। बिहार की राजनीति में इस साल होने वाले चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजियों का सिलसिला रफ्तार पकड़े हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वर्तमान समय में केंद्र सरकार पर टिप्पणी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि एनआरसी और एनपीआर को लागू करने की जिद पर अड़ी केंद्र सरकार को आज उनका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबानी मिल गया है। एनआरसी एनपीआर के मुद्दे पर एक इंच भी नहीं खिसकने वाली सरकार को हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया है। राजद ने जदयू विधायकों के समर्थन का किया दावा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, अब सभी दलों ने विपक्षी पार्टी के नेताओं से समर्थन मांगने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ संपर्क में होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के बाद कई विधायक जदयू छोड़कर राजद में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जदयू के अधिकतर विधायक हमारे संपर्क में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में किया सीएए का समर्थन। बीते मंगलवार को सदन में एनआरसी लागू नहीं करने की बात कहकर बिहार सरकार ने एनआरसी का मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों के जुबान पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में यह भी साफ किया है कि केंद्र सरकार के सीएए नीति में कोई परेशानी नहीं है। सीएए का समर्थन तो अपने समय में लालू यादव ने भी किया था, इसलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी सीएए से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तानाजी 300 करोड़ के क्लब से बस कुछ ही कदम दूर। पिछले 6 हफ्तों से चलती आ रही तानाजी लगातार पर्दे पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म के रिलीज होने के इतने दिनों के बावजूद भी फिल्म को देखने में लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मंगलवार को फिल्म के टोटल कनेक्शन पर किए गए आकलन में यह बात सामने आई है कि अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की फिल्म 300 करोड़ के क्लब में बस कुछ ही दूर है। वहीं हैरानी की बात यह है कि शुभ मंगल पार्ट 2 के रिलीज होने के बावजूद तानाजी के कलेक्शन पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। सौरभ गांगुली की जीवनी पर बन सकती है फिल्म। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जीवनी पर एक फिल्म बनने की अटकलें लगाई जा रही है। सौरभ गांगुली की गिनती आज भी बेहतरीन कप्तानों में की जाती है, जिसको देखते हुए अब जल्द ही उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को पर्दे पर दिखाने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सौरभ गांगुली और फिल्म निर्देशक करण जौहर की मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि शायद करण जौहर सौरभ गांगुली की जीवनी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। जियो ने पैक की घटाई वैधता। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। जियो ने अपने वार्षिक प्लान में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत कंपनी ने 1299 रुपए के वार्षिक प्लान की वैधता 365 के बजाय 336 दिन के लिए वैलिड कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो कंपनी के इस कदम का असर जियो यूजर्स पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल अभी भी ग्राहकों को 365 दिन वाले प्लान उपलब्ध करवा रही है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,510 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,390 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 51,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.88 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.49 रुपए प्रति लीटर था। अब चले बढ़ते हैं मौसम के खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ने 1355 पदों पर निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की भर्ती के लिए 1355 पदों के लिए भर्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, जिसकी अंतिम तारीख 20 मार्च है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। वहीं 23 मार्च तक सभी अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें हैं देव कुमार यादव, मोहम्मद सद्दाम खान, अतिकुर रहमान, सोनू यादव, पिंटू यादव, सुजीत चौधरी, राकेश वर्मा, विकास कुमार, बालोसा, अंग्रेज कुमार, मोहम्मद सरफराज अंसारी, सौरभ कुमार, सुधीर कुमार, प्रमोद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आपके अनुसार कैसा रहा? कृपया अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।